एक नया रेसिपी का साथ दिया। मैं आज जो बनाने वाला हूँ वो शायद सभी लोग, बहुत सारे लोग खाना पसंद करता है, मतलब बड़े बड़े लोग तो बाहर से रेस्टोरेंट से या कहीं से भी खरीद के खा लेते हैं। आजकल वो भी चीज़ रोड साइड पे भी मिलता है, बहुत सारे रोड साइड दवा में दिए, रोड साइड पे ठेला पे भी मिल जाता है। मैं जो आज बनाने वाला हूँ वो है चीज़ क्लब सैंडविच। एकदम बिल्कुल यम्मी लगेगा खाने के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा, वो भी देसी स्टाइल में, ये कोई फॉरेन स्टाइल पे नहीं है, देसी स्टाइल पे। मैं आज जो बनाने वाला हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल का, एकदम घर पे जैसे बना सकते हैं, घर पे जो जो चीज़ सामान मिल सकता है वही सब चीज़ लेके मैं बनाने वाला हूँ, एकदम देसी स्टाइल। फिर चलिए बनाते हैं सैंडविच। बनाने के लिए ये मैं एक बॉयल पोटैटो लिया हूँ, इसको मैं हाथ से अच्छे से मैश कर ले रहा हूँ। ये मेरा मैश करके हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दे रहा हूँ, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। ये मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे रहा हूँ, ये अच्छे से मैं मिक्स कर ले रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा पर भी आ जाएगा और चटपटा भी हो जाएगा। ये मेरा मैश पोटैटो रेडी हो गया है, अब मैं सब्जी जो भी मैं वेजिटेबल यूज़ करूँगा उसको मैं काट ले रहा हूँ फटाफट। एक कुकुम्बा लिया हूँ, एक कांदा लिया हूँ, ये कांदा को मैं पील कर ले रहा हूँ। ये मैं बॉयल पोटैटो और एक लिया हूँ, इसको भी मैं छील ले रहा हूँ। ये कैप्सिकम को मैं ऐसा रिंग रिंग करके काट ले रहा हूँ, ये ऑनियन को भी मैं स्लाइस रिंग काट ले रहा हूँ, ये टोमेटो को भी मैं ऐसा राउंड राउंड काट ले रहा हूँ, ये कुकुम्बर इसको भी मैं स्लाइस काट ले रहा हूँ, ये बॉयल पोटैटो जो मैं छील के रखा था उसको भी मैं राउंड राउंड करके काट ले रहा हूँ। अब मैं तीन ब्रेड का स्लाइस लिया हूँ, इसमें मैं अच्छे से बटर लगा ले रहा हूँ। ये एकदम नीचे का पार्ट है, इसमें मैं अच्छे से बटर लगा ले रहा हूँ। अब इसमें मैं मिंट सॉस बना के रखा हूँ, इसमें मैं मिंट, धनिया पत्ता और ग्रीन चिली ये और थोड़ा सा गार्लिक देके मैं पीस के रखा हूँ। ये मैं बॉयल पोटैटो को ये ब्रेड का ऊपर अच्छे से लगा देता हूँ। ये ब्रेड आप लोगों को लोकल शॉप में, कौन सा भी शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये मैं इसका ऊपर थोड़ा सा चॉप ऑनियन, थोड़ा सा चॉप टोमेटो डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसका ऊपर विभाग का जो मिडिल पार्ट है उसमें भी बटर और ये मिंट सॉस लगा ले रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए हो गया लगा के। अब मैं इसमें प्रोसेस चीज़ का एक ब्लॉक मैं इसमें ग्रेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो एक चीज़ का वजह से खाने के लिए बिल्कुल यम्मी लगेगा, चीज़ ही यम्मी लगेगा। अब मैं इसका ऊपर दूसरी स्लाइस को बैठा दे रहा हूँ, ब्रेड का स्लाइस को। अब इसका ऊपर मैं बटर फिर से अच्छे से लगा देता हूँ, ऊपर साइड में भी। ये हो गया बटर लगा के। इसका ऊपर मैं जो काट के रखा था वेजिटेबल, ये बॉयल पोटैटो अच्छे से अरेंज कर दे रहा हूँ इसका ऊपर, पूरा ब्रेड का ऊपर। इसमें तीन लेयर का ब्रेड रहेगा, इसलिए मैं तीन ब्रेड का स्लाइस लिया हूँ। देखिए मैं टोमेटो भी लगा दिया हूँ, अब ऑनियन लगा दे रहा हूँ इसका ऊपर, अच्छे से बैठा दे रहा हूँ। अब मैं कैप्सिकम डाल दे रहा हूँ इसका ऊपर, ये देखिए मेरा कैप्सिकम भी डाल के हो गया है।
अब मैं इसके ऊपर फिश से चीज़ को ग्रेट कर दे रहा हूँ, जैसे पूरे सब्जी के ऊपर अच्छे से आ जाए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रास ब्लैक पेपर डाल दे रहा हूँ, इसे थोड़ा स्पाइसीपन आ जाए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे रहा हूँ। अब मैं ये ऊपर का जो एकदम लास्ट पार्ट का ब्रेड है उसके ऊपर भी बटर और मीट सॉस लगा ले रहा हूँ। ये मीट सॉस और बटर लगा के जिस साइड मैं लगा रहा हूँ मीट सॉस और बटर, उसको नीचे करके फिर ये सैंडविच के ऊपर डाल दे रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं जो ग्रिलर है ग्रिलर ऑन किया हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दे रहा हूँ जैसे ब्रेड मेरा चिपक ना जाए। अब ये ग्रिलर को मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये 2 से 3 मिनट जस्ट टाइम लगता है, उसी में ही हो जाता है, ये एकदम ब्रेड क्रिस्पी भी हो जाता है और अच्छे से लाइन भी आ जाता है। ये देखिए चीज़ पिघल के बाहर आना शुरू हो गया मेरा। ये हो गया। अब इसको थोड़ा घुमा देंगे जैसे क्रॉस लाइन आ जाए इसके ऊपर। ये ऐसा करके मैं घुमा दिया इसको, अब फिर से बंद कर दूंगा, फिर 1.5 से 2 मिनट में रखूंगा। ये देखिए हो गया मेरा सैंडविच रेडी। ये इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको काट ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से काटना पड़ेगा क्योंकि ये 3 लेयर का है, इसके वजह से ये इधर उधर हो जाता है, निकल जाता है ब्रेड। ये पूरा मेरा अच्छे से काटा नहीं है, इसको मैं अच्छे से काट लेता हूँ। ये कट गया अच्छे से। अब मैं इसमें एक टूथपिक डाल देता हूँ, दोनों में 2 टूथपिक डाल देता हूँ जैसे इधर उधर ना हो जाए ब्रेड का स्लाइस। ये मैं एक प्लेट में अरेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये देख के मेरा तो मुंह पे पानी आ जा रहा है, क्या मस्त दिख रहा है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पोटैटो स्माइली लिया हूँ, इसमें डाल दे रहा हूँ मैं। देखिए पोटैटो स्माइली डाल के हो गया मेरा। अब मेरा सैंडविच रेडी है। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ।